नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सोशल मीडिया। आजकल जितना लोग सोशल मीडिया पे आते जा रहे हैं ना, तो ये एक तरीके से जहर घुलता जा रहा है। सोशल मीडिया से अलग अगर बाहर निकल के देखेंगे तो दुनिया बड़ी शांत है, लेकिन जब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अंदर घुसते हैं, यूट्यूब पे, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में भी एक तरह से वाकयुद्ध छिड़ा हुआ है। दूसरे एक दूसरे को लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, मार रहे हैं, धर्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ, लिंग के खिलाफ, इस तरह से कुछ लोग करते हैं। लेकिन जी हाँ, वे में अगर बात करें वे की, तो भाई वे पुलिस ने भी हालांकि चेतावनी जारी पहले भी करती है, समय समय पर करती रहती है। जी हाँ, अभी भी ये दो तीन महीने पहले की न्यूज में बता रहा हूँ, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन न्यूज भाई कभी भी हो, ये नियम तो फॉलो लाइफ टाइम करना पड़ेगा। जी हाँ भाई, दुबई में रहते हुए, दुबई की तो एक एग्जाम्पल है, बाकी गल्फ देशों में, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन या कुवैत वगैरह किसी भी देश में आप रहते हैं, सोशल मीडिया पे सरकार का कंट्रोल है और मुझे जहां तक लगता है लाइफ टाइम कंट्रोल रहेगा। क्योंकि वहां पे एक तो सरकार है, लोकतांत्रिक नहीं है, राजाशाही शासन है। क्योंकि इन देशों में भाई राजाशाही शासन होने की वजह से हर चीज पे कंट्रोल रहता है, और वहां पे प्रतिबंध और कानून और सजा इतनी सख्त है कि आदमी को दूर से डर लगता है। जी हाँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनचाहे में, गलती में, आवेश में आके किसी के साथ आपकी अनबन हो रही है, उसको नीचा दिखाने के चक्कर में, या फिर बहुत सारे जो लोग ऐसे होते हैं जो वहां बैठ के कर देते हैं इंडिया के लिए, लेकिन बैठे तो आप वहां, क्राइम तो आप वहां कर रहे हैं, वो इंडिया के लिए हो लेकिन क्राइम वहां के लिए, तो इन चीजों के आपके, देखिए, एक पोस्ट आपको जेल, जुर्माना करा सकता है, ब्लैकलिस्ट करवा सकता है, सभी देशों के लिए केस आपके ऊपर बन सकता है, आपकी फोटो अखबार में आना, आदि बेइज्जती होना, ये सब हो सकता है। जी हाँ, कुछ मैं बातें आपको बताऊंगा कि अगर आप इनमें से कोई भी अपराध आप अनचाहे में या चाहे में करते हैं तो जेल प्लस 2,50,000 दुबई दराम से लेके 1,000,000 दुबई दराम तक जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, बता दूं, सबसे पहले अगर बात करें किसी भी इस्लामिक पवित्रता और रीति रिवाजों के बारे में ठेस पहुंचाना, जी हाँ, आपको पता है साथियों, किसी इस्लाम के बारे में या फिर धर्म के जो भी है रीति रिवाजों के बारे में कि इसमें यह है वो है, अपनी सोशल मीडिया पे लिखना, अपने आप को राइटर समझते हुए, बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हुए गलती कर देते हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है, सावधानी रखने की जरूरत है। जी हाँ, अन्य कोई भी धर्म है, जी हाँ, उसमें निर्धारित किसी भी पवित्रता अनुष्ठान या फिर मान्यता प्राप्त फोटो या फिर मान्यता प्राप्त किसी भी धर्म के बारे में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, जैन, पारसी, ईसाई, अन्य कोई भी मान्यता प्राप्त धर्म हो, उसके खिलाफ में आप गलत अपनी बयानबाजी नहीं कर सकते, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो। जी हाँ, किसी भी मान्यता प्राप्त एकेश्वरवादी धर्म का अपमान नहीं कर सकते। जी हाँ, कोई सभी धर्म है भैया, अलग अलग सब में मानता है, आस्था है, अपने अपने तरीके से सब लोग मानते हैं, तो आप किसी धर्म के बारे में बोलने वाले कौन होते हैं, नहीं बोल सकते। जी हाँ, गलत बातों का प्रचलन करना, किसी भी धर्म के बातें में गलत दावों के बारे में पेश की करना, पापों को बढ़ावा देना, उकसाना सोशल मीडिया के माध्यम से, जी हाँ, इसके अलावा आपको करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। अगर आप ये सब करते हैं तो इसके अलावा 7 साल की सजा है। जी हाँ, 7 साल की सजा कौन से, मैं बता दूं, गलत पोस्ट करोगे ईश्वर के बारे में, पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर वगैरह, दूतों, उनके दूत वगैरह हैं, या इस्लाम के बारे में खिलाफ में अगर आप बोलोगे तो भाई आपको 7 साल की सजा, 1,000,000 दुबई दराम, सीधा जुर्माना लगेगा। जी हाँ, अब ये तो हो गई कानून की बातें, अब हम बात कर लेते हैं भाई वही की सरकार या सभी देश ऐसा क्यों करते हैं, इसका सीधा सीधा रीजन है, वही सरकार का मानना है, मानना नहीं है भाई, हमारा भी मानना है। आप लोग वही में रहते होंगे तो आपको भी पता होगा, दुबई में 200+ कंट्री के पीपल्स वहां पे रहते हैं, ऐसे ही नहीं रहता, राष्ट्र एकता में अनेकता, जी हाँ, अनेकता में एकता की कहानी वहां पे चरितार्थ होती है। आप सबको पता है यार, वही कंट्री या गल्फ कंट्री मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहां पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सबको पता है ना। वही सरकार का यह कहना है कि यहां पे किसी धर्म के प्रति नफरत करना, धर्म का अपमान करना बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कितना भी बड़ा 30 मार का क्यों ना हो। वे में सभी धर्मों को सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों में एकता पाई जाती है, सभी धर्मों को, राष्ट्रियों को, मानने वालों को, सबको एक जगह वहां पे बैठ के सब लोग खाना खाते हैं, ऐसा वे सरकार का कहना है। और आपको भी भाई दिखता होगा, सबको दिख रहा हो ना, एक मुस्लिम कंट्री होते हुए हिंदुओं का मंदिर वहां पे स्थापित होना, गुरुद्वारे स्थापित होना, ईसाई मंदिर स्थापित होना, यानी ये एक बहुत बड़ी बात है, ये भी सरकार की सोच है वो यहाँ पे दर्शाती है। जी हाँ, गोपनीयता और अधिकार की अगर बात करें तो एक दूसरे के अधिकार वहाँ पे सम्मान किया जाता है। जी हाँ, वहाँ पे नफरत की कोई जगह नहीं है भाई, ये हमेशा ध्यान रखिए, एक दूसरे व्यक्ति के प्रति सम्मान, एक दूसरे के धर्मों के प्रति सम्मान रखना आपकी फर्स्ट जिम्मेदारी होती है, उसके बाद में आप अपना काम करिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपको सजा भी मिलेगी, आपको जुर्माना भी मिलेगा, ये सब कुछ होगा। अब बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि अभिव्यक्ति
की आज़ादी इंडिया में है, इंडिया में लोग गाली देते हैं, हालांकि इंडिया में भी सोशल मीडिया एक्ट बन चुका है। यहाँ पर भी अगर आप किसी धर्म के प्रति इंडिया में बोलते हैं तो पिछले साल भर में हजारों मुकदमे लगे हैं लोगों के खिलाफ में, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, सिर्फ करना सोशल मीडिया इतना अच्छी बात है कि आपने अपने व्हाट्सअप अपने मोबाइल से कुछ गलत लिखा, उसका स्क्रीन शॉट लो, थाने में कंप्लेन कर दो। पुलिस भी ये नहीं बहाने नहीं बना सकती कि हम FIR नहीं करेंगे, जांच करेंगे। अरे भाई, सामने लिखा है, मोबाइल से है, स्क्रीनशॉट है, जांच करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अरेस्ट करके अंदर डालिए उसको, सीधा सीधा बात बन जाती है। तो सभी धर्मों को सम्मान करते हुए, सभी धर्मों का मूल्यों का सम्मान करते हुए, आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी के भी खिलाफ गलत बोल देते हैं। जी हाँ, और भाई गल्फ देशों में तो सरकार के खिलाफ में तो आप कुछ एक वर्ड बोल भी नहीं सकते, सही है तो सही है और सही होता है, गलत तो हम नहीं बोल सकते, उनका कानून उनका जो भी है बिल्कुल सही है। एक गलत शब्द आपको कानूनी रूप से अपराधी बना सकता है UAE में या गल्फ देशों में, तो सावधान रहने की जरूरत है। आवेश में आके किसी के कहने से, बहकावे में किसी को नीचा दिखाने के चक्कर में ये गलती बिल्कुल ना करें, वरना आपकी सीधा आपका स्क्रीनशॉट लिया, पुलिस आपको सीधा मकान से उठा लेगी, उठाती भी है, पिछली बार भी उठाया था, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर गाली दी थी, हमारे सीकर के थे, हालांकि उनको जमानत लेनी पड़ी, पासपोर्ट उनका जब्त है, अब हो सकता है वो केस पूरा कंप्लीट होने के बाद ब्लैक लिस्ट कर दे, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि हम वहां पे मजदूरी कमाने के लिए गए, रोजगार के लिए, न कि वहां पे बहसबाजी करने के लिए गए। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।